नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को राज्य के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आंधी आने की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है। वहीं आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के अधिकांश स्थानों और बाकी जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य के स्थायी राजधानी देहरादून में आंशिक रूप से लेकर आम तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा रविवार को देहरादून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 घंटे का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना और कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज से अति तेज बरसात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण राजमार्ग बाधित हो सकता है और निचले स्थानों में पानी भर सकता है। उन्होंने इससे सुरक्षित रहने की बात कही है। फिलहाल मौसम के अपडेट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।